मैंने टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस अभी अभी शुरू किया है। मेरा फेवरेट फीचर तो डिजिटल व्हाइट बोर्ड है, बस बोर्ड शेयर किया और लिखना शुरू। वही क्लासरूम वाली फील। पहले थोड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को फॉर्मूला अच्छे से दिखाई नहीं देते थे, लेकिन अब सब कुछ क्लियरली दिखाई देने लगा है। वो खुश तो मैं खुश। इसीलिए कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। अभी डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेसफुल में। यूपी फ्री लैपटॉप योजना से रिलेटेड यहाँ पर सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हाँ जी दोस्तों, आज बिल्कुल लास्ट डेट है। किन कॉलेजों की लास्ट डेट है वो भी मैं आपको ऑफिशियली नोटिस के माध्यम से दिखाने वाला हूँ। और जो फर्स्ट ईयर के छात्र छात्राएं हैं, यानी कि जो नए छात्र इस साल एडमिशन ले रहे हैं, उन सभी के लिए भी बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो वीडियो को कंटिन्यू करते रहिए और जो स्टूडेंट चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आपको इसी तरह की पल पल की अपडेट यूपी फ्री लैपटॉप योजना से रिलेटेड मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स भी मिलते रहे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, चालू सत्र में दाखिले लेने वाले विद्यार्थियों को मिलेंगे टैबलेट व स्मार्टफोन। कहने का मतलब ये, जो इस साल न्यू एडमिशन ले रहे हैं बच्चे, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को मिलने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस भी अभी मैं दिखाने वाला हूँ, पहले आप न्यूज़ देख लीजिएगा। इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें यही बताया जा रहा है कि जो बच्चे नए आएंगे ना, उनको स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जाएंगे। यहाँ पर आप लोग लाइव बिल्कुल देख लीजिएगा, ये बात रही इस कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर देखिए, सभी संस्थानों को 18 नवंबर तक विद्यार्थियों को डाटा पोर्टल पर करना होगा अपलोड। यानी कि जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर वाले हैं, उनको 18 नवंबर तक सारा डाटा अपलोड करना होगा, जो भी उनके कॉलेज वाले हैं उनके लिए। ठीक है, यहाँ पर आप लाइव देख लीजिएगा, अपने कॉलेज को सचेत कर दीजिएगा। यहाँ पर फिर आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पर कि 2021-22 में स्नातक स्नातकोत्तर सभी जो भी हमारे कॉलेज हैं, यहाँ पर इसमें दे रखा है। देखिए यहाँ पर हेडलाइंस के माध्यम से देख, 18 नवंबर तक विद्यार्थियों को डाटा अपलोड करना होगा और किस कॉलेज की लास्ट डेट है वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर ही देखिएगा। ठीक है, पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले सभी को मतलब लैपटॉप और टैबलेट दिया जाएगा। अब अगले साल की बात करें, जो मतलब जुड़े हुए हैं, इसमें यही बताया जा रहा है। यहाँ पर आप लोग लाइव देख सकते हो, कार्यशाला में 7 विभागों में अधिकारियों अनुपस्थित हुए, जबकि 200 अधिकारी वर्चुअल रूप से शामिल हुए थे। अब आपको मेरे कहने का मतलब ये, जो फर्स्ट ईयर वाले छात्र छात्राएं हैं, ये नोटिस देखिए भाई, जो पॉलिटेक्निक वाले हैं वो इसको जरूर देख लीजिएगा। फर्स्ट ईयर वाले, इसमें बताया जा रहा है, संस्था में प्रथम सेमेस्टर में समस्त छात्रों को सूचित किया जाता है कि भाई अपने रजिस्ट्रेशन यूराइज पोर्टल पर कर लें। ठीक है, माध्यम से स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर विकल्प पर जी कप का रोल नंबर डालकर और इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा, जिसके रिगार्डिंग आपको लैपटॉप और फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना जो भी चल रही है उसको आपको दिया जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करते हो तो आप इसके जिम्मेदार स्वयं होंगे। यहाँ पर देखिए लाइव बिल्कुल दे रखा है और यहाँ पर प्रधानाचार्य के सिग्नेचर भी हैं। ठीक है, नोटिस 8 तारीख को निकाला गया था, जिसे आप लोग बिल्कुल ऑफिशियली लाइव देख सकते हो। यानी कि कहने का मतलब यही है स्टूडेंट्स, कि जो भी फर्स्ट ईयर वाले छात्र हैं उनको भी लैपटॉप मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। जो पॉलिटेक्निक वाले हैं बहुत जल्दी से जाएं यूआईएस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। ठीक है, अब देखिए ये कॉलेज है महात्मा गांधी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, कुल सचिव के द्वारा रजिस्ट्रेशन का नोटिस निकाला गया है और ये 9 तारीख को निकाला गया था, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है, और इसकी आज लास्ट डेट है, आप यहाँ पर लाइव देखिए भाई, इसमें यही बताया जा रहा है। लास्ट डेट देखिए, इसमें यह बताया जा रहा है कि 13/11/2021 तक आपको हर हाल में, आज आपका 13 तारीख है। ठीक है, तो आज भाई लास्ट डेट है इस कॉलेज की, आप लोग लाइव देख सकते हो। हर हालत में आप जो भी इस कॉलेज के छात्र हैं वो मतलब फॉर्म को भर के और कॉलेज में जमा कर दें, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जो भी इस कॉलेज के छात्र छात्र हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी 2, यहाँ पर दे रखा है, जो भी हैं भाई इसको जरूर फिल कर दें। यहाँ पर देखिए ऑफिशियली सिग्नेचर दे रखे हैं कुल सचिव के, तो इसमें भाई 13 तारीख का लास्ट डेट है, 13/11/2021 लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरने की, तो आप लोग इसमें जाके भर दीजिएगा। अगला नोटिस हमारा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से आया हुआ है। इसमें देखिए, इसमें भी लास्ट डेट है। ठीक है, लास्ट डेट इसकी कब है तो वो भी मैं बताने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर इस नोटिस के माध्यम से क्या बताया जा रहा है, इसमें भी भाई यही बताया जा रहा है कि यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, 14/11/2021 तक स्थापित किया जाना अनिवार्य है। मतलब वीर बहादुर सिंह जो जौनपुर में कॉलेज है, इसकी लास्ट डेट 14 तारीख है। क्या है भाई, 14 तारीख इस की लास्ट डेट है इस कॉलेज की। ठीक है, यहाँ पर आप लोग लाइव देख सकते हो, यहाँ पर सिग्नेचर भी देख सकते हो, जो भी कि हमारे इस कॉलेज के
प्रोफेसर हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लाइव सिग्नेचर देख सकते हो। कहने का मतलब ये है, इस कॉलेज की 14/11/2021 लास्ट डेट है और उस कॉलेज की आज थी लास्ट डेट, मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। वीर बहादुर सिंह की लास्ट 14 तारीख लास्ट डेट है। जो भी इसके कॉलेज के हैं फटाफट से फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग फॉर्म भर दोगे और फर्स्ट ईयर वाले बेसिस पर ध्यान दें, वो 18 नवंबर तक भर सकते हैं। तो जल्दी से जाओ फर्स्ट ईयर वाले अपने कॉलेज में फटाफट जाइए और अपने कॉलेज वालों को बताइए। और किन छात्रों को नहीं मिलेगा, देखिए जो छात्र फाइनल ईयर कर चुके हैं उनको नहीं मिलने वाला है, जो न्यू एडमिशन लेंगे या फिर जो सेकेंड ईयर उनको मिलेगा, ठीक है। और जो फाइनल ईयर करके दूसरे कोर्स में एडमिशन लेता उनको तो भी मिलने वाला है। और फॉर्म कहाँ से, अपने कॉलेज से भरें, आपके कॉलेज से ही फॉर्म मिलेगा, ठीक है। हमारे कॉलेज से ही फॉर्म मिला था और हमारे कॉलेज में ऑलरेडी भर चुका है, ठीक है। तो अपने कॉलेज में यार जो भी है आपके फॉर्म वहीं से मिलने वाला है। और कौन सा काम आपको कर लेना, अपने कॉलेज में एक बार पता कर लेना कि सर मेरा फॉर्म भर गया है या नहीं भरा है। यार बूझ लोगे तो कोई बुरी बात नहीं, यार बूझ के कन्फर्म कर लो कि सर हमारा फॉर्म भरा है या नहीं भरा है, तो कह देंगे हाँ भर गया बेटा, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, तो आपकी टेंशन वाली मतलब आपके शरीर शरीर दिमाग से जो टेंशन है वो हट जाएगी, ठीक है। तो आई होप मेरी बातों को आप इजीली समझ पाए होंगे स्टूडेंट्स। चलिए फिर आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।